In a landmark pact, the centre today signed the Bodo Peace Treaty with all factions of the NDFB, besides the All Bodo Students Union, among others, in New Delhi today. The tripartite agreement was signed by Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal. Top leadership of the four factions of the NDFB, ABSU, Joint Secretary in the Home Ministry Satyendra Garg, and Assam Chief Secretary Kumar Sanjay Krishna in presence of Union Home Minister Amit Shah. Apart from the four factions of the NDFB, the United Bodo People's Organization and the BTC are also signatories to the peace accord. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal and State Finance, Health and Education Minister Himanta Biswa Sarma were also present at the signing. Union Home Minister Amit Shah exuded confidence that the accord will bring lasting peace to BTAD and the region. बोडो क्षेत्रों के विकास के लिए इस समझौते के तहत तीन वर्षों में 1500 करोड़ रुपए के विकास के पैकेज जिससे विशिष्ट परियोजना आने वाले समय में क्रियान्वयन में लाई जाएगी इस समझौते से बीटीसी के एरिया और अधिकार उनके क्षेत्र और अधिकार में भी बढ़ोतरी होगी बीटीएडी के बाहर रहने वाले बोडो संबंधित विषयों को ध्यान देने के लिए और उनके व्यक्तिगत कल्याण के लिए भी इस पर चिंता की जाएगी बोडो समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक भाषाई विषयों को सुरक्षित किए जाएंगे जनजातियों के भूमि अधिकारों का भी संरक्षण किया जाएगा जनजातीय क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए भारत सरकार की निगरानी में हम एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाएंगे एनडीएफबी के कैडर्स का समग्र रिहैबिलिटेशन हो इसके लिए आसाम सरकार और भारत सरकार संपूर्ण सहानुभूति के साथ उनके साथ रहकर पूरे कैडर के रिहैबिलिटेशन के लिए प्रतिबद्ध है भारत सरकार बीटीसी को लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव व फाइनेंशियल पावर व आंतरिक विषय दिए जाने के लिए कदम उठाएगी 125वें संविधान संशोधन द्वारा बीटीसी की वित्तीय वो प्रशासनिक सुधार शक्तियों में सुधार भी किया जाएगा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के नाम पर कोकरोजार में एक सांस्कृतिक परिसर की स्थापना भारत सरकार और आसाम सरकार दोनों मिलकर करेंगे वो एक लंबे समय तक दशकों तक बोडो संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेगी बीटीएडी में एक नए डीआईजी के पद का भी सृजन करने के लिए भारत सरकार ने सहमति दी है और बोडो आंदोलन में मारे जाने वाले व्यक्ति के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी भारत सरकार ने इसमें सहमति दी है मैं आज भारत सरकार की ओर से आसाम सरकार नेडा के अध्यक्ष हेमंत विश्व शर्मा हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी अंग्रामा जी और सारे संगठन के सभी पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं और उनको अभिनंदन भी करता हूं कि मोदी जी की अपील पर आपने ये जो कदम उठाया है वो कदम एक लंबे समय तक बोडो क्षेत्र के विकास के लिए और आसाम के भी विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है और ऐतिहासिक काम आज जो आप सब ने एक कोऑपरेशन की भावना से किया है इसके एग्रीमेंट के फुलस्टॉप कोमा में हम इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे एक एग्रीमेंट जिस पर सबने हस्ताक्षर किए हैं जिसमें हमारे हंगामा का भी सिग्नेचर है ये एग्रीमेंट असम और बोडो क्षेत्र के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज है क्योंकि सन 1972 से आपसू द्वारा एक पृथक बोडो राज्य की मांग उठाई गई शुरुआत में ये आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से चला 1987 से ये आंदोलन हिंसक बना और सभी तरीके से ये पूरे क्षेत्र को अशांति से ग्रस्त कर कर आंदोलन रहा बोडोलैंड आंदोलन में अब तक 1829
नागरिक मारे गए हैं 2823 लगभग 3000 के करीब 2900 के करीब नागरिक मारे गए हैं 239 सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं और बोडो कैडर के अलग अलग 939 कैडर के इनके लोग मारे गए हैं कुल 4,007 लोगों ने यह आंदोलन में अपनी जान इतने सालों से गवाई है आज आपसू ने जो आंदोलन शुरू किया था अब इसके सभी महत्वपूर्ण घटकों ने एक साथ समझौते पर साइन करकर जो 2003 में समझौता हुआ था एक इसका एक अगला एक्सटेंशन करकर हमेशा के लिए इस समस्या का समाधान आज मोदी के नेतृत्व में आया है